वे यह कल्पना भी नहीं कर पाए कि बाबा जी के संपर्क के कारण स्वयं वे भी जन दृष्टि से ओझल हो रहे थे। महाराज जी पर चतुराई काम नहीं करती थी। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। कटरा अलाहाबाद में महाराज जी के एक अनन्य भक्त श्री कन्हैया लाल श्रीवास्तव रहते हैं। जब कभी बाबा जी अलाहाबाद आते, आप स्वभाववश उनके दर्शनों का लाभ अधिकाधिक लोगों को कराते। अपनी इस प्रवृत्ति के लिए उन्हें कई बार बाबा जी की फटकार भी सुननी पड़ती थी, पर फिर ऐसे अवसर आने पर वे अपने को रोक नहीं पाते थे। एक बार इसी हेतु आप तीन संभ्रांत व्यक्तियों को लेकर चर्च लेन पहुँचे, जहाँ बाबा जी ठहरे हुए थे। इनके वहाँ पहुँचने के पूर्व बाबा जी श्री सुधीर मुखर्जी के साथ अलाहाबाद स्टेशन चले गए थे। आप भी उन लोगों को साथ लेकर स्टेशन गए और वहां प्लेटफार्म में उन्हें एक स्थान में छोड़कर अकेले बाबा जी को खोजने लगे। आपने बाबा जी और मुखर्जी दादा को प्लेटफार्म के एक सिरे पर बैठे देखा। आप उनके पास जाकर विनीत भाव से उन व्यक्तियों को दर्शन देने का आग्रह करने लगे। बाबा जी ने आपकी बात नहीं मानी। आप बाबा जी की प्रशंसा कर लोगों को प्रेरित करते और उनमें प्रतिक्रिया के रूप में परीक्षा के भाव जाग उठते थे। बाबा जी प्रशंसा चाहते नहीं थे और जिसमें भी परीक्षा के भाव हों उनके प्रति उदासीन रहते थे। आप निराश होकर लौट आए और उन लोगों के साथ बिना कुछ कहे मौन खड़े हो गए। आप मन में सोचने लगे कि बाबा जी ने इसी रास्ते लौटना है। थोड़ी प्रतीक्षा के बाद दर्शन स्वतः हो जाएंगे। थोड़ी देर में बाबा जी उठे और मुखर्जी दादा का हाथ पकड़कर प्लेटफार्म में इधर उधर टहलने लगे। प्लेटफार्म खाली था और उस समय उसमें कोई गाड़ी भी नहीं आ रही थी। महाराज जी दो बार उन चारों व्यक्तियों के सामने से आए और गए, पर उनमें से किसी को भी वे दिखाई नहीं दिए। मुखर्जी दादा उन लोगों का रुख अपनी ओर देखते हुए समझ नहीं पा रहे थे कि वे लोग ऐसे शुभअवसर का लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं। वे यह कल्पना भी नहीं कर पाए कि बाबा जी के संपर्क के कारण स्वयं वे भी जन दृष्टि से ओझल हो रहे थे। महाराज जी पर चतुराई काम नहीं करती थी। उनके दर्शन केवल उनकी कृपा से ही होते थे। एक बार फिर कैची आश्रम के प्रवेश द्वार पर अकेली एक कार खड़ी थी, जिसमें महाराज जी और मुखर्जी दादा बैठने को उद्यत थे। अनेक आश्रमवासी उनकी विदाई में वहां खड़े थे। कार भवाली की दशा को जाने को थी और उसी मार्ग में सामने पास के एक मोड़ पर बाबा जी की प्रतीक्षा में सब परिवार खड़े थे। श्री अम्बा दत्त पांडे सचिव केंद्रीय सरकार, इन लोगों को भय था कि इनके प्रवेश द्वार तक पहुंचने के पूर्व ही कार चल चुकेगी और ये बाबा जी के दर्शन से वंचित रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने पहाड़ के इस मोड़ पर
कार रुकवाना अधिक सुविधाजनक समझा। इधर दादाजी ने भी कार में चढ़ने के पूर्व बाबा जी का ध्यान इस परिवार की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि वे लोग दर्शन की अभिलाषा से मोड़ पर ही रुक गए हैं। बाबा जी बोले, इस समय दर्शन नहीं होंगे। इस पर दादाजी ने कहा कि वे गाड़ी के आगे खड़े हो जाएंगे। बाबा जी ने उनसे कहा, तुम पीछे की सीट पर ऐसे झुक कर बैठ जा कि चेहरा बाहर ना दिखाई दे। उन्होंने आज्ञा का पालन किया और कार उसी दशा को चल दी। उधर उस परिवार के सभी व्यक्ति इस दृश्य को एक टक दृष्टि से देख रहे थे। मोड़ पार हो जाने पर बाबा जी ने दादाजी से आराम से बैठ जाने को कहा। इधर ये लोग परेशान थे कि गाड़ी देखते देखते किधर गायब हो गई। प्रवेश द्वार पर उपस्थित लोग गाड़ी को उसी मोड़ की ओर जाते देख रहे थे। जब इस परिवार के लोगों ने प्रवेश द्वार पर आकर वहां पर खड़े हुए लोगों से इस संबंध में बातें की, तो बाबा जी की इस लीला से आगंतुक और उपस्थित दोनों चकित रह गए। केवल बाबा जी ही नहीं, संपूर्ण कार आप लोगों की आँखों के आगे से ओझल हो गई। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।